फतेहाबाद पुलिस ने एक महिला से गोल्ड चैन और पैसों से भरा पर्स छीनने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने गोल्ड चैन और 370 रुपए की नकदी बरामद कर ली है। जानकारी देते हुए SHO ने बताया कि आरोपी युवक नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने मार्केट में इस वारदात को अंजाम दिया और महिला की सोने की चैन और पर्स छीन फरार हो गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कल हमें शेफाली नाम की महिला ने कंप्लेंट की थी कि उसके पास वो मार्केट में आई हुई किसी काम के लिए, तो उसके पास पर्स था, पर्स के अंदर गोल्ड चेन थी और लगभग 2000 रुपये थे उनके पास। तो कोई लड़का उसको छीन कर भाग गया है, तो उसमें कार्रवाई करते हुए कल ये अभियोगित कर लिया गया था। उसमें आज मेहनत करते हुए पुलिस ने उसी लड़के को, आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक गोल्ड चेन बरामद हो गई है और उसमें 370 रुपये और बरामद हो चुके हैं। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, कल मानने न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा। पहले कितने मामले दर्ज है सर? पहले इसके खिलाफ एक कैंडी केस का मुकदमा दर्ज है। और कुछ सर, कुछ बताया सर इसने किस कारण से किया है सर? बस ये नशे करने खाती है जी, बार बार नशा करता है, पूर्ति नहीं होती, काम धंधा को है नहीं इसके पास, इस कारण से इस बार दर्ज। तो कहाँ से पर्स बरामद किया गया? इसके पास घर से बरामद किया जी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा।